आवाज जा रहा है आप लोग को? आवाज जा रहा है? चलो आवाज जा रहा है सब लोग को? आवाज म्यूट करो सब। आज रविशंकर बोले तो बंद करेगा, उसको ब्लॉक कर दो। देखो आज हम लोग, आवाज जा रहा है सब लोग को? चलो तो हम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, सुनो, लिखो ओरिजिन। आज हम लोग मेन टॉपिक मेरा रहेगा, ध्यान देना आज। एक मिनट। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम आज बहुत डिटेल में जाके देखेंगे, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट से एक सूचना है कि मंगलवार से ऑफलाइन क्लासेस होगी, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो हम ग्रुप में बता देंगे आप लोग को। और सर पिक्चर नहीं आ रहा है आपका, क्या बोले? वसीद, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करें, तो इसकी ओरिजिन जो होता है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो ओरिजिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे ये एक्टोडर्मल होता है, ये याद रखेंगे एक्टोडर्मल। दूसरी पॉइंट हमको ये याद रखना है कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो याद रखना लोकेशन, तो याद रखेंगे इट इज फाउंड इन द बोनी कैविटी। मतलब ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉनी कैविटी में पाया जाता है, जिसको हम लोग बॉनी कैविटी हम लोग तो ब्लॉक मार दो यार, आज डिस्टर्ब करेगा एक भी तो ब्लॉक मार देंगे, ब्लॉक मार दो। सेला टर्सिका याद रखना, सेला टर्सिका याद रखना, ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे बोनी कैविटी में रहता है, और इस बोनी कैविटी का क्या नाम है बोलो? सेला टर्सिका, याद रखना। पहला बात हम लोग ये सीखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, समझे? और दूसरा बात याद रखेंगे कि ये बोनी कैविटी में पाया जाता है, और इस बोनी कैविटी का नाम हम लोग सेला टर्सिका रखते हैं, क्या रखते हैं? सेला टर्सिका। तीसरी पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अटैच्ड विथ
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस थ्रू थ्रू ए स्टॉक। समझो, पहला पॉइंट हम लोग ये सीखे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉनी कैविटी में पाया जाता है, और इस बॉनी कैविटी का नाम हम लोग रखे हैं सेला टर्सिका। याद रखना, इस बॉनी कैविटी का क्या नाम है? सेला टर्सिका। याद रखना, सेला टर्सिका। और दूसरी बात हम लोग ये लिख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है और एक स्टॉल के द्वारा जुड़ा होता है, डंठल से जुड़ा रहता है, स्टॉल्क कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, इनफंडिबुलम। ये याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है नाम, इस नाम को मेंशन कर लेंगे। चलो, तो ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और दूसरी पॉइंट हम लोग ये बात करेंगे आज हम लोग कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो एक बॉडी कैविटी, एक बोन वाली कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा होता है, याद रखना कैविटी मतलब गड्ढा, एक बोन वाली कैविटी में रहता है, और इस कैविटी का नाम हम लोग रखे हुए हैं सेला टर्सिका। ये याद रखना, इंपोर्टेंट इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि सेला टर्सिका में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है। और दूसरी बात हम लोग ये लिखे हैं, दूसरी पॉइंट कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो अटैच होता है, किससे अटैच होता है? तो याद रखना, हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, और जोड़ने वाली रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ये बात क्लियर रखना याद, हाँ। तो दूसरी बात क्या याद रखना, बोलो, इनफंडिबुलम। हम लोग ये याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? सब लोग यस बोलेंगे, नहीं तो नहीं। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो देखो, पहला बात हम लोग ये लिखे हैं, सुनो, अब ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टोडर्मल नेचर का होता है। ये याद रखना, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, तो किताब एनसीईआरटी खोल के रखिए, और ओरिजिन आपके किताब में नहीं दिया है, ये पॉइंट नहीं दिया है, और ये वाला नाम जो हम लोग लिखे है एनसीईआरटी में ये लिख दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे बॉनी कैविटी में पाया जाता है, और इस बॉनी कैविटी का नाम हम लोग क्या रखे हैं? सेला टर्सिका। ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जिस बॉनी कैविटी में रहता है उस कैविटी का क्या नाम है? सेला टर्सिका। ये बात क्लियर है? और तीसरी पॉइंट हम लोग ये लिख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो अटैच होता है, अटैच मतलब होता है जुड़ा हुआ रहता है, और किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो याद रखेंगे, क्लियर है, और हाइपोथैलेमस से जो स्ट्रक्चर जोड़ के रखता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इनफंडिबुलम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिए। चलो, तो अब ध्यान देना अच्छे से, सब लोग लिख लो, आज अब क्लियर लाइव क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज सही कर ली गई है। चलो, अब ये ध्यान दे, एरेज कर रहे हैं, ध्यान दे आप। चलो, यहां तक हमको लग रहा है एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, एनसीईआरटी में बहुत चीज नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट चौथा पॉइंट हम लोग ये लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, ध्यान से समझना अच्छे से, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले समझना अच्छे से, बहुत डेप्थ में समझाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या किया गया? वो डिवाइड किया गया। सर, क्या बोले? फोटो कहाँ आ रहा? फोटो बोर्ड, बोर्ड दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो काला बना हुआ है। हमको भी देखो, बोर्ड को देखो, बोर्ड भी कहाँ दिखाई दे रहा सर? अरे, बोर्ड तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यस सर, आ रहा। अच्छा, बोर्ड भी आ रहा, फोटो भी आ रहा। अच्छा, लो ठीक, बोर्ड नहीं आ रहा सर। आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। रिफ्रेश करो बुआ, देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस, याद रखना अच्छे से। अब आज
आज से डिस्टर्ब करोगे तो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे। देखो एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस, समझो अच्छे से। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया, टू पार्ट्स में बांटा गया। कितने भाग में? टू पार्ट्स में बांटा गया। एक को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और एक को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम अगर हम लोग को कोई पूछे बता दो इसका दूसरा नाम क्या होगा, हम लोग याद रखेंगे। देखो पहले समझ लो, पहले एक मिनट और रुक जाओ। एडिनो हाइपोफाइसिस को भी दो भागों में बांटा गया, एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भागों में बांटा गया। एक हम लोग पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, पार्स इसको हम लोग बोलेंगे पार्स। एनसीईआरटी सब लोग सामने रखेंगे आज। और एक को हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, समझो। हाँ ये बात आज क्लियर हो जाना कि 75% कितना परसेंट, 75% ऑफ टोटल सेक्रेशन, ये याद रखना। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा सेक्रेशन जो रिलीज होता है, 75% ऑफ टोटल सेक्रेशन जो रिलीज होता है वो सिर्फ किससे रिलीज होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर? एडिनो हाइपोफाइसिस से जो है 75%, ये याद रखना। 75% of total secretion, मतलब अगर 100% secrete कर रहा है कोई chemicals, उसमें से 75% जो secretion है, वो अकेले किसके द्वारा किया जाता है? Adeno hypophysis के द्वारा। और ये बात आज क्लियर हो जाना कि adeno hypophysis को क्या किया गया, कि इसको भी डिवाइड किया गया, इसको adeno hypophysis को भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक इसमें पार्स डिस्टेलिस में और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। अब ये याद रखना, पार्स डिस्टेलिस को ही याद रखना, अब भूलना मत। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। कृति को बोले माइक, कृति माइक ऑफ कर दो। तो चलो ये बात क्लियर याद रखना। याद एडिनो हाइपोफाइसिस जो है टोटल 75% सेक्रेशन, 75% जो सेक्रेशन होता है सिर्फ रिलीज किया जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। और ये बात आज क्लियर हो जाना है हम लोग को कि एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एक पार्स डिस्टेलिस को और एक पार्स इंटरमीडिया को। और याद रखना पार्स डिस्टेलिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात आज क्लियर हो जाए कि पार्स डिस्टेलिस को ही क्या कहा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स डिस्टेलिस को क्या कहा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और ये याद रखना आज कि पार्स इंटरमीडिया क्या होता है, ये पार्ट ऑफ, ये याद रखना, ये पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये बात क्लियर रखना आज अच्छे से, ये पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये बात क्लियर हो जाना आज अच्छे से, समझो। एनसीईआरटी सब लोग साथ रखेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया, पहला बांटा गया एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको हम लोग जो 75% टोटल सेक्रेशन खुद रिलीज करता है, और एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एक को हम लोग पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं और एक को हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और याद रखना कि पार्स डिस्टेलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कहा जाता है, पार्स डिस्टेलिस या पार्स इंटरमीडिया? पार्स डिस्टेलिस का। गुड, आप क्लियर है, चलो ठीक है गुड। अब देखो पार्स इंटरमीडिया को कहा गया, ये पार्ट होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। और दूसरी बात देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस, पहले समझ लो, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले चार्ट को समझ जाओगे तब अच्छे से क्लियर कर पाएंगे हम लोग। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, पोस्टेरियर, इसको हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये याद रखना
पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, तो याद रखना कि न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहा जाता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और याद रखना इसमें भी हम लोग दो तरह का न्यूरॉन पढ़ेंगे, अच्छे से समझना। न्यूरो हाइपोफाइसिस को देखो, इसमें भी आता है पैराभेंट्रिकुलर और सुप्राभेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स, तो अभी समझ लो पहले इतना। और ये बात याद रखना यहाँ पे कि ये 25% ऑफ टोटल सेक्रेशन, ये याद रखना। मतलब ये याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एड्रीनो हाइपोफाइसिस जो 75% टोटल सेक्रेशन रिलीज करता है, और एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एक को हम लोग पार्स डिस्टालिस बोलते हैं जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। तो याद रखना पार्स इंटरमीडिया क्या है, ये पार्च है, किसका पार्च है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पार्च है, क्लियर है। अब दूसरा बात पॉइंट हम लोग को ये दिया हुआ है कि इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करते कहते हैं, और ये टोटल 25% ऑफ टोटल सेक्रेशन रिलीज करता है। और ये भी बात आज क्लियर हो जाना अच्छे से कि इससे दो हार्मोन बनते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, आज ये बात क्लियर हो जा रहा है। सुनो अच्छे से, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसी भी तरह का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये याद रखना। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले, तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, हम आगे देखते हैं इसको। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। याद रखना पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक हेलो हाँ बोलिए, बोझ नहीं आ रहा है, आएगा आएगा बोझ आएगा, आ रहा है सर, झूठ बोल रहा है। ऑक्सीटोसिन और एक को हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, याद रखना वैसोप्रेसिन। ये याद रखना कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है जिसको हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, आ रहा है सर, गेट में प्रॉब्लम, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करके फिर से जुड़िए सर, उसी का नेट प्रॉब्लम है, तो आपका बात बोल रहा है सर, उसका नेट प्रॉब्लम है। हाँ चलो, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये बात क्लियर रखना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये बात याद रखना आज कि ये 25% ऑफ टोटल सेक्रेशन, मतलब 100% में 75% जो सेक्रेशन होता है हार्मोन का वो कौन करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और 25% जो हार्मोनल सेक्रेशन होता है वो कौन करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बात क्लियर रखना यार। और अब दो पॉइंट, ये बात याद रखना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिस जो 25% टोटल हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और ये बात जरूर याद रखिएगा, स्टोर एंड रिलीज, ये बात याद रखिएगा, स्टोर एंड रिलीज, ये याद रखिए। मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दो हार्मोन को स्टोर करता है, एक याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को, और दूसरा याद रखिएगा वैसोप्रेसिन को, क्लियर है, बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस सर, सर क्लियर है। दो पॉइंट लिख रहे हैं जो अभी जो लिखे जो दो पॉइंट उसको वीवीआई लगा लेना, नीट में 3 बार पूछा गया, इसको हम रब कर रहे हैं, इरेज कर दे, चलो ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग दोनों ऑफलाइन भी क्लास पढ़ेंगे और रात को ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। सर ऑफलाइन कैसे होगा सर, क्या क्या ऑफलाइन सर, गांव से सब आ गए हैं, गांव आ गए हैं तो गांव से थोड़ी होगा क्लास, बताओ ऑफलाइन नहीं ना होगा सर,
क्या बोले? ऑफलाइन कैसे कर लेंगे सर, मतलब ये गांव में आ गए हैं तो गांव आ गए हैं तो गांव से आइए। गाड़ी बंद हो गया सर इधर। क्या बोला रे? चलो चुपचाप रहो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना आईएमपी है, ये याद रखना है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। पहला पॉइंट कि द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये बात याद रखना अच्छे से। पोस्टेरियर पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए तुम्हारे लिए हमेशा लॉकडाउन है, ये बात याद रखना। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये बात याद रखना अच्छे से कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है जो अधीन रहता है, किसके अधीन रहता है तो याद रखना हाइपोथैलेमस के अधीन रहता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, मतलब न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होगा तभी पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो, ऐसा समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ये बात याद रखना हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ये बात क्लियर हो जाना। दूसरा पॉइंट ये बात याद रखना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्लियर से नहीं दिया हुआ है। द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स does not synthesize, does not synthesize hormone, ये बात रखना यार, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये बात क्लियर हो जरा। बहुत सारे किताब में ये लिख देता है कि बहुत बच्चे ये भी बोलने लगते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, ये बात क्लियर हो जाना। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स डज नॉट सिंथेसाइज, निर्माण नहीं करता है, डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन एक्चुअली, ये बात याद रखना। बट इट एक्चुअली एस्टोर्ड एंड रिलीज हार्मोन, ये बात याद रखना। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसी भी तरह का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है, ये बात क्लियर हो जाना। किला का कौन है? राजपूत किला का। क्या बोल रहा है? गाड़ी ग्लोज कर रहा है कमेंट सेक्शन में। क्या है? राजपूत किला। किसको गाली दे रहा है? बस तो दोनों को पूछ दे कौन है पर इसको आते हैं। राजपूत किलर कौन है? इससे बात करेंगे ना बाद में। लिख लिखा है भाई। मैं तुम से बैठा हूँ यार, बैठ ले जो बैठा है। बहुत कुछ बोला मैं क्लियर। एक बार यार अच्छा किसी तरह किया आपको बताओगे तो कमेंट में।
5 मिनट के बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं, थोड़ा रुको तो।